बातचीत शुरू हो चुकी है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ। AIFF की कल्याण चौबे एंड शाहजी प्रभाकरन डायरेक्ट कांटेक्ट में आ चुके हैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार ही आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोज मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। IOA ने, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, कल हमारी एंट्री भेज दी थी चाइना में, जहाँ पे एशियन गेम्स होने हैं। फुटबॉल नेशनल टीम की, हमारी मेंस की भी एंड वुमेन्स की भी। एंड आज जो ताज़ा अपडेट आई है एशियन गेम्स में पार्टिसिपेशन को लेके, वो यही आई है कि नेगोशिएशंस चल रही है बैकग्राउंड में बिटवीन AIFF एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। अनुराग ठाकुर के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं कल्याण चौबे, एंड कल्याण चौबे अभी कल तक पेरिस में थे तो आज वो सुबह आ चुके हैं पेरिस से वापस। पेरिस में वो किसी फुटबॉल डेवलपमेंट के काम के लिए ही गए थे एंड वहां से वो वापस आ चुके हैं। तो अब अगले 2-3 दिन में माना जा रहा है कि डेवलपमेंट वर्क, पॉजिटिविटी वर्क टूवर्ड्स एशियन गेम्स पार्टिसिपेशन काफ़ी तेजी से ग्रो होगा एंड हमको आने वाले 2-3 दिन में काफ़ी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि क्या हमारी इंडियन टीम फुटबॉल की पार्टिसिपेट करने वाली है एशियन गेम्स में या नहीं, क्योंकि 26 जुलाई इज़ द लास्ट डेट जब तक हम एंट्री अपनी करवा सकते हैं प्लेयर्स की एंड अपनी क्लियरेंस दिलवा सकते हैं गवर्नमेंट से। एंड जो हमने एक पहली हर्डल थी वो कहीं ना कहीं क्लियर कर ली है। IOA ने जो हमारे नाम भेज दिए हैं प्लेयर्स के, उन 800 एथलीट्स में जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं एशियन गेम्स में, उसमें फुटबॉल के भी, वुमेन्स एंड मेन्स के, दोनों के टीम्स के प्लेयर्स के, एक एक प्लेयर का नाम पहुंच चुका है चाइना में। बट जो ये हमारी पहली हर्डल थी, इसके बाद जो सेकेंड हर्डल है वो हम सबको पता है कि क्या है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से क्लियरेंस। एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से क्लियरेंस के लिए शाहजी प्रभाकरन भी लगे हुए हैं एंड कल्याण चौबे भी बातचीत कर रहे हैं लगातार। वो पेरिस से भी डायरेक्ट बात कर रहे थे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अलग अलग ऑफिशियल्स से कि किसी तरीके से नेगोशिएट करके हमारी टीम को क्लियरेंस दिलवाएं वो 26 तारीख से पहले, क्योंकि 27 जुलाई को वी ऑल नो दैट के ग्रुप स्टेज का ड्रॉ है फॉर द एशियन गेम्स सॉरी। तो उससे पहले हमारी टीम को क्लियरेंस मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना अगर 26 से हम लेट हुए तो हमारी टीम को फिर ड्रॉ में नहीं ऐड करा जाएगा एंड हमारे जो नाम है वो वापस हमारे को कर दिए जाएंगे एंड हमको विड्रॉल करना पड़ेगा अपने आप को फ्रॉम स्पोर्टिंग इवेंट ऑफ फुटबॉल इन एशियन गेम्स। तो कहीं ना कहीं कल्याण चौबे जो पेरिस से आ चुके हैं वापस, अब कहीं ना कहीं अगले 2-3 दिन में हमारे को हो सकता है ग्रीन सिग्नल मिल जाए जल्दी से फ्रॉम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। लेट्स होप कि हमारी टीम इंडिया पार्टिसिपेट करे एशियन गेम्स में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इगोर स्टीमैच की वो अपील प्राइम मिनिस्टर मोदी को, एंड कहीं ना कहीं ये जो भी चल रहा है स्पेकुलेशन पिछले एक हफ्ते से एशियन गेम्स की पार्टिसिपेशन को लेके, वी ऑल वांट अवर वुमेन्स एंड मेन्स नेशनल टीम टू पार्टिसिपेट इन एशियन गेम्स एंड वी ऑल नो दैट कि U23 जो फॉर्मेट है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है इंडियन टीम के नए नए अपकमिंग फुटबॉलर्स को नर्चर करने के लिए एंड कितना बड़ा टूर्नामेंट है एशियन गेम्स, वी ऑल नो दैट। वेल लेट्स सी एंड लेट्स वेट फॉर 2-3 डेज मोर के हमारी टीम पार्टिसिपेट कर रही है कि नहीं, बट फिंगर्स क्रॉस हमारी टीम 99% पार्टिसिपेट करेगी एशियन गेम्स में। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन।